చెలలు దహరి అతనది బిచెనయాహిలోర్మారే ఇలోర్మారే కరిహయ్యే గోరి హిలోర్మారే. నమస్కార్, మే హూ అనిల్, ఆప్ దేఖ్ రహే ప్లానెట్ భోజ్పురియా. జీ హా, ఆజ్ హమారే ఇస్ ప్లానెట్ భోజ్పురియా కే ప్రోగ్రామ్ మే హమ్ ఏక్ ఐసే సితారే కో తోడ్ కే లాయే హై జనాబ్, कि वो सितारा अभी बस फ्लाइट से उतरा और हमने उनको ग्रैब किया, मतलब पकड़ा. तो हमारे साथ कौन है, तो मिलिए हमारे साथ आज हैं 22 साल से संगीत की दुनिया में तहलका मचा देने वाले श्री गोपाल राय भैया. प्रणाम भैया. प्रणाम. तो भैया ये बताइए हमको सबसे पहले कि 22 साल का सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा. शुरू के बात शुरू तो स्कूल कॉलेज से ही हो गई. अच्छा. बाकी जो चढ़ान आए, जहाँ से हमरा लागल कि नहीं प्रोफेशनली गावे के चाहिए, लोगन के बीच में जाके गावे के चाहिए, वो जब हम बीए पास करी टाउन डिग्री कॉलेज बलिया से 95 में, तब पहला एल्बम कनी हम गजब हो गई. तो गजब एजो अगर हो जाए तो एगो गाना गजब होइल के हो जाए तो हम बिल्कुल बिल्कुल. अरे जेकरा लागी गइल प्यार के हवा. क्या बात. जकरा लाग गइल प्यार के हवा, त काम ना करी कोनो दावा. क्या बात है, वाह. त काम ना करी कोनो दावा. बहुत खूब. तो भैया ये दवा जब काम ना करी तो हमरा ये बताएं कि अपने के गुरुजी के नाम का बा जे आपके संगीत सीख. जब हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़त रही तभी ही हमरा मुलाकात भइल गुरुजी से, श्री परशुराम प्रसाद केसरी जी. जी बिल्कुल. अपने ही गांव के संजोग से बड़ी सौभाग्यशाली हम बने कि गांव से मिलनी गुरुजी और गोरखपुर आकाशवाणी से वहां के गाना गाए लोकगीत. जी जी जी. और संगे संगे बहुत वो राइटर भी हैं. आपके भोजपुरी दुनिया में बड़ा नाम बा वहाँ के, तमाम गायक वहाँ के गीत गौले बने. वहाँ के सानिध्य में सीखी के मिलल और कोरस के लिए हम 2-4 साल संगे सीख के वहाँ के. माने तो एकदम माने मूल से. जी बिल्कुल बिल्कुल. जब अपना गाना शुरू आप कर दिए इस छोटी सी उम्र में, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था. माँ पिताजी तो कुछ और बनाना चाहते थे और आप बन गए. नहीं, पिताजी तो हमारे कोल फील्ड में नौकरी करते थे और संगीत से बड़ी लगाव था उनका. तो पिताजी कभी ये नहीं कहे कि गाना मत गाओ, पढ़ने के लिए तो हर माँ बाप कहते हैं. बिल्कुल. लेकिन वो हमको किताब भी ला के देते थे ट्रेन में, जो बिकते थे भजन वजन. अच्छा अच्छा अच्छा. इसमें से गाओ. ये समझे कि पहला गीत तो हमारे पिताजी ने गोद में बैठा के मुझे सिखाया. क्या बात. यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला. क्या बात. वो कौन से ऐसे संगीतकार हैं जिनको आप सबसे अधिक फॉलो करें अभी के दौर में. हाँ, जो अभी का दौर चल रहा है हमारा. देखिए, मुझे तो लगता है कि भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा जी जब तक हैं और गा रहे हैं अच्छी स्थिति में, मुझे लगता है कि इस दौर में भी वही हैं. तो मैं उनको, उनके साथ भी बहुत रहा, उनका सहयोग भी बहुत मेरे भोजपुरी संगीत में रहा है और मैं उनके गीतों का उनको फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ. ऐसे मोहम्मद खलील वगैरह ऐसे लोगों का, मदन राय को मैं सुनता हूँ. अच्छा. विष्णु ओझा हमारे प्रिय मित्र भी हैं, उनको सुनता हूँ. नए सिंगरों में पवन सिंह की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया गाता है लड़का. हाँ. तो मैं ये चाहूँगा कि आपके गाए हुए जो सबसे बेहतरीन गाने हैं वो चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए. अरे चले लो डहरिया त नदी बिचे नैया हिलोर मारे, चले लो डहरिया त नदी बिचे नैया हिलोर मारे करी हैये गोरी हिलोर मारे करी हैये गोरी हिलोर मारे. क्या बात है, क्या बात है. बहुत खूब, बहुत खूब. तो गोपाल भैया, हम ये चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको अभी साक्षात, और जितने हमारे उभरते हुए सिंगर हैं वो भी आपको देख रहे हैं इस चैनल पे, उनके लिए आप क्या ऐसी बात कहना चाहेंगे कि उनकी भी भविष्य में वो आपके जैसा बन पाए. कलाकार तो अपना लेखा बनेला पहली बात जी. बाकी इतना जरूर कहब हम सारा भोजपुरी दर्शक लोग इनसे और आज के नया दौर के भोजपुरी गवैया लोग से
कि भोजपुरी भाषा भोजपुरी भाषी ये पूरा वर्ल्ड में हर जगह बाँटे ये सौभाग्य हर भाषा भाषी के नहीं खे जौन हमने के भाषा भाषी के बाँटे ऐसे हमने के संस्कार संस्कृति और सभ्यता के अपना बचा के रखे के बाद गीत गौने ऐसने होके जौना से अपनी भाषा के अपनी माटी के मान सम्मान बढ़े ऐसने रुआ लोग सुनी ऐसने आज के गौया गावें ये हमारे हार्दिक इच्छा बा। तो सर हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला तो इसके लिए भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया आभार शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपके चैनल प्लैनेट भोजपुरिया चैनल को। थैंक यू भैया और इसी के साथ लेते हैं हम विदा मिलेंगे फिर अगले किसी तारे के साथ अपने प्लैनेट भोजपुरिया पर तब तक के लिए प्रणाम। प्लैनेट भोजपुरी।